सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है अपने टाइटल एंड अपने थंबनेल पर, और अगर उसके बाद भी आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं तो आपको सबसे पहले अगर आपने एक मतलब तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल इवन टेक में। मेरा नाम है शावे। तो आज हम बात करेंगे यूट्यूब रैंकिंग की। देखिए दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, हम यूट्यूब पे काम करते हैं हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, हमें लगता है कि यूट्यूब बेकार है, यूट्यूब हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है और हम उल्टा यूट्यूब को ही गालियाँ देने लगते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। हम जिस थाली में खा रहे हैं, हम जिस थाली में ठूस रहे हैं, उसके बारे में ऐसा बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। YouTube काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, तभी तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर ये अच्छा ना होता तो हम यहाँ पे काम क्यों करते? आप ही लोग हमें बताओ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि हम मतलब हमने कोई वीडियो बनाई है और हमारे वीडियो का रैंकिंग किस पेज पे, मतलब किस बेस पे हो रहा है। हम इस चीज़ की अब बात करने वाले हैं कि हमारी वीडियो का जो रैंकिंग है वो किस बेस पे हो रहा है। एंड आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, यूट्यूब रैंकिंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए सपोज कीजिए हमने कोई वीडियो बनाया और लोग उस वीडियो पर क्लिक करेंगे, वो लोगों तक पहुंचेगी और वो लोग वीडियो देखेंगे। तो लोग जो हमारी वीडियो देखेंगे वहाँ तो हमारा थंबनेल और हमारा जो टाइटल है वो काम में आता है हमारे। लेकिन हमारा जो कंटेंट है वो लोगों तक पहुंचेगा कैसे, उस पर हमें खुद ही काम करना पड़ेगा गाइस। तो अब हम कैसे पता लगा पाएं कि यूट्यूब हमें सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यूट्यूब हमारी वीडियो को रैंकिंग में ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, आज हम इस वीडियो में वो जान लेते हैं गाइस। सो गाइस मेन बात है हमारे मेटा डाटा की, वो हमारा ठीक है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है अपने टाइटल एंड अपने थंबनेल पर, और अगर उसके बाद भी आपकी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते हैं तो आपको सबसे पहले अगर आपने मतलब मेटा डाटा भी अगर आपने चढ़ा रखा है एंड अपने उसका डिस्क्रिप्शन में चढ़ा रखा है, तो आपको सिंपली करना क्या है, अपने थंबनेल को जो आपका थंबनेल है वो आपका अट्रैक्टिव नहीं है उसको चेंज कर देना है गाइस। उसको सिंपली से चेंज कर देना है एंड आपका थंबनेल जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, तब इस पर लोग क्लिक करेंगे। एंड आपको अगर आपकी वीडियो फिर भी रैंकिंग में नहीं जाती है, फिर भी आपके व्यूज़ नहीं आते हैं, तो आपको उसका मेटा डाटा जो है चेंज करना पड़ेगा गाइस। और दोस्तों अगर आपकी सर्च रैंकिंग कम है तो फिर तो आपको डेफिनेटली अपना मेटा डाटा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सभी जो जितनी भी हमारी सर्च रैंकिंग होती है वो सभी मेटा डाटा से ही आती है यूट्यूब पर। और अगर आपके फिर भी व्यूज़ नहीं आते हैं, आपके व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो आपको सिंपली अपना कम्युनिटी टैब में जाना है और आपने जो उसमें पोस्ट की है जो कि 1:1 रेशियो में होती है, उसको सुधारने की आपको ज़रूरत है दोस्तों। और आपको ये भी पता चल जाए कि आपकी जो कम्युनिटी है वो कितनी एक्टिव है। और दोस्तों कम्युनिटी टैब को एक्टिव रखने के लिए आपको कम्युनिटी टैब में अच्छी अच्छी पोस्ट डालते रहना पड़ेगा गाइस। इससे क्या होता है कि मतलब जो हमारी कम्युनिटी टैब होती है वो एक्टिव रहती है, आप उसमें Q&A वीडियो डाल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको कम्युनिटी टैब में एक्टिव रहना पड़ेगा गाइस, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो गाइस उसके बाद आता है ब्राउज फीचर। तो आपको अगर ब्राउज फीचर के बारे में फुल डिटेल से जानना है तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। मैंने उसमें पूरा बताया है कि मतलब ब्राउज फीचर होता क्या है, वो कैसे काम करता है, मैंने उसमें सब चीज़ जो है आपको बता दी है। देखिए अब जान लेते हैं ब्राउज फीचर होता है। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने कोई वीडियो बनाई और मेरी 50,000 लोगों ने देख ली, एंड गाइस मतलब वो 50,000 लोगों के ब्राउज़र में प्ले हो चुकी है। तो जब मैं अगली बार कोई वीडियो डालूंगा तो वो मतलब जब लोग यूट्यूब ओपन करेंगे और उसको स्वाइप करेंगे तो मेरा थंबनेल उनको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, और अगर उनके ही टॉपिक पर मेरी वीडियो होगी तो लोग उस पर क्लिक ज़रूर करेंगे गाइस। ये मतलब ये सभी जो चीज़ होती हैं ये सभी ऐसी होता है, ये थंबनेल के ऊपर होता है गाइस। आपको थंबनेल जो बनाना है अपना अट्रैक्टिव बनाना है ताकि लोग देखें और उस पर फटाक से क्लिक कर दें। सो गाइस ब्राउज फीचर का मतलब बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके चैनल को किसी ने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है और आपकी वीडियो को वो रेगुलरली देखता है, सो मतलब जब भी वो यूट्यूब ओपन करेगा तो आपकी वीडियो उसको
कहीं ना कहीं नीचे शो हो जाएगी और वो उस पर क्लिक करके वीडियो को देख लेगा। बेसिकली जो होता है वो ये होता है कि ब्राउज फीचर इसी को बोलते हैं। जब भी आपकी वीडियो को देखता है या आपकी वीडियो को पूरा कोई वॉच कर लेता है और वो उसको पूरी देखता है, सो आप जब भी वो यूट्यूब ओपन करता है तो आपकी वीडियो उसको कहीं ना कहीं नीचे शो हो जाती है। अब देखिए, अगर मेरा टॉपिक उन्हीं से रिलेटेड होगा, मतलब जो वीडियो वो देखते हैं उन्हीं से मेरा टॉपिक जो है रिलेटेड होगा, तो ही वो उस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। सो गाइस, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज के टाइम में हमें एक ही रिच पर काम करना चाहिए। सो गाइस, ये जो ब्राउज फीचर होता है ये हमें दिखाता है कि आपकी जो रिच ऑडियंस है वहाँ तक आपकी वीडियो पहुँच तो रही है, लेकिन लोग आपकी वीडियो पर मतलब देख नहीं रहे हैं, आपकी वीडियो को वो क्लिक नहीं कर रहे हैं गाइस। तो बेसिकली जो होता है ब्राउज फीचर यही होता है। मैंने आपको इसमें पूरी डिटेल बता दी। अगर आपको और अच्छी तरह से जानना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके और वीडियो को आप देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो भी बना रखी है गाइस। तो गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बाजू में घंटे का पहला आइकन आता है उस पर भी क्लिक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक बार ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।